हर दिल को सुनाते हैं फरमान फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। तहजीब को लूटा है नफरत के खुदाओं ने, जाए तो कहाँ जाए भगवान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का, प्यासा है बहुत प्यासा इंसान मोहब्बत का, हर दिल को सुनाते हैं फरमान मोहब्बत का। अरे यहाँ क्यों रोक दिया? मैं नहीं आता इतने अंदर। क्यों? इतने बड़े घर में जो जो दुनिया के इंसान कम है, कुत्ते ज्यादा, मेरी टांग पकड़ लिया तो तुम देने के 2 रुपए, मैं क्या करूँ? चलो उतरो, पांव पैदल जाओ। सुनिए। क्या है भई? ये हवेली नजर नहीं आती। फाटक से 10 कोस दूर है, कैसा नजर आएंगी? इतनी दूर? ये बड़े लोग बहुत दूर दूर ही रहते हैं। आप ऐसा करो, ये सड़क पे से सीधा चल पे चल चले जाओ, पहले एक कोठी मिलेंगी, उधर नहीं जाना बीबी, उसके आगे और एक रास्ता है ना, सीधा चल पे चल चले जाओ, कभी ना कभी आ जाएंगी हवेली। समय आई तो गियानी
अरे हैदराबाद की हुई वीरानी। बस करो मुंशी साहब, ये क्या है जी? बेकार फालतू आदमी। ऐसा है मुंशी साहब, ये 20 साल से वीरानी का शेर सुनते सुनते मेरे पर वीरानी आ गई ना। वो कैसा? मेरी जोर मर गई ना ये शेर सुन के। हाँ आखिर ये किसका तो भी है जी, तुम्हारा है किसका तो भी जुड़ा है। ये देखो खादिम हुसैन जी, हमारे मरहूम बाबा के कर्जों का वारिस मैं। हाँ उनके तीनों बीवियों की मुसीबतों का वारिस मैं। हाँ तो क्या मैं उनके शेर का वारिस नहीं हो सकता? हो सकते। बात कर रही फिर। हाँ हैदराबाद में आई वीरानी। हमारे मुंशी साहब कौन की औरत बच्ची आ रही जी? पूछ लो काई को तशरीफ लाए, जरा पूछ लो जाके जाओ। अरे जरा पूछ लो बाबा काई को तशरीफ लाए। किससे मिलना है आपको जी? मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। क्या क्या बोले? मुझे मिलने को बुलाया है। हाजिरी देने को आए आप जी? ऐसा बोलो ना, बड़े सरकार से मिलना है आपको। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा करो आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर खबर करता हूँ बड़े सरकार को। बैठो बैठो। अंदर चलो, बड़े सरकार बुला रहे हैं आपको। चलिए। बड़े सरकार। खादिम हुसैन तुम जा सकते हो। जी सरकार। तस्लीम आओ। शमशाद। जी सरकार। तुम 10 मिनट देर से आई हो। जी मैं तो वक्त से पहले ही पहुंच जाती, वो ट्रेन। जो इंसान वक्त की कदर नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तुम बेंगलोर से आई हो? जी। इतनी दूर? हैदराबाद में आकर नौकरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? तुम्हारी उम्र तो ज्यादा नहीं लगती। जी मेरी उम्र 23 साल की है। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। तुम्हारे घर वालों ने कैसे तुम्हें इतनी आजादी दे दी? जी मेरे माँ बाप नहीं है। ओह। कुछ खा पी कर चली थी? वक्त नहीं मिला, ट्रेन लेट थी ना। शमशाद। जी सरकार। इनके लिए नाश्ता मंगवाओ और खिलवाओ। जी अच्छा। हम अभी आते हैं। हाँ। लो बीबी खाओ।
एमन साहब जो अंदर बैठी हैं, उनकी दरखास्त दिखाइए। तो तुमने होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है? जी, कुछ और भी काम जानती हूँ, लेकिन उनकी कोई डिग्री नहीं है मेरे पास। मसलन? टाइपिंग और ड्राफ्ट्समैन का काम सीखा है। अपने बारे में कुछ और बताओ। अम्मा तो बचपन में ही चल बसी थी। जिंदगी का दूसरा हादसा कब हुआ? 2 साल पहले बाबा भी चल बसे। तब से तुम अकेली रहती हो? नहीं, आंटी शीला बाबा को भाई की तरह प्यार करती थी। बचपन से उन्होंने ही मेरी देखभाल की थी। थी तो क्या वो भी? अल्लाह ना करे, आंटी तो मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हैं। हम जानना चाहेंगे तुम यहाँ क्यों आना चाहती हो। जी, बाबा के मरने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा था उससे काम चलता रहा, लेकिन अब मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम्हें कोई नौकरी बेंगलोर में भी मिल सकती थी। हाँ, कोशिश तो की थी, पर साफ साफ कहो। अल्लाह, सरकार कैसी है तबीयत आपकी? शुक्र है, नाश्ता किया? जी, आते ही कर लिया था। ये देखिए, हमारे फैंसी फेयर की खबर अखबार में छपी है। कल रात तुम बहुत देर से लौटी थी शाहना। जी, किसने बताया आपको? कौन छोड़ गया था तुम्हें? जी, मुख्तार नवाब। हमें पहले ही शक था। बशारत नवाब के साथ क्यों नहीं आई? भाईजान तो बिलियर्ड खेलकर जल्दी ही लौट आए थे, और मुझे फैंसी फेयर के पोस्टर्स बनाने थे ना। ये क्या पहनावा पहना है? जी, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी सरकार। सरकार, वो मेरा टेलरिंग का बिल। अभी आधा महीना भी नहीं गुजरा और तुम्हारा जेब खर्च खत्म हो गया? इस बार तुमने बहुत नावाजिब खर्चे किए हैं शाहना। फिर भी हम मुंशी साहब से कह देते हैं। थैंक यू सरकार। हाँ, तो जब तुम यहां आईं तो तुम्हें यकीन था कि तुम्हें यह नौकरी मिल जाएगी? जी, मैं पहले से ही किसी बात पे अपनी राय कायम नहीं करती। काम के बारे में जानती हो क्या करना होगा? जनरल असिस्टेंट की तरह मैं हर काम करने को तैयार हूँ जो मेरी खुददारी बर्दाश्त करे। खुददारी का मतलब हम भी समझते हैं। तुम्हें हमारी हमराही के अलावा द्योड़ी और जायदाद के कामों में भी हाथ बटाना होगा। मुंशी साहब वफादार और काबिल आदमी हैं, मगर अंग्रेजी नहीं जानते, इसलिए हमें मुश्किल हो रही है। तो क्या मैं समझूं कि ये नौकरी?
दूंगी मुंशी जी। ये खता बड़े सरकार को दे देते हैं। जी दे दूंगी। मैं अंदर आ सकती हूँ सरकार? आओ अमन बीबी। सरकार ये खत मुंशी जी ने भेजे हैं। ये जख्म कैसे हैं? जी ये बस ऐसे। लगता है तुम्हें जख्म छुपाने की आदत है। जी ठीक हो जाएंगे खुद ही। कुछ जख्म अपने आप ठीक नहीं होते, उन्हें मरहम की जरूरत होती है। मेरे जख्म खुद ही अपना मरहम तलाश कर लेते हैं बेगम साहिबा। तो जल्दी कर डालो इलाज। जख्म पुराने हो जाएं तो नासूर बन जाते हैं। शमशाद। जी सरकार। एमन बीबी को ले जाओ और इनके जख्मों पर मरहम लगाओ। जी शुक्रिया सरकार। तुम तो पूरी की पूरी डॉक्टर हो शमशाद। खत जख्मा देखने से कोई डॉक्टर बन जाता क्या बीबी? मैं तो फकत जमाने की आंख हूँ। क्या क्या देखती हूँ तुम्हारे को क्या मालूम। शमशाद मैं ड्योढ़ी के तौर तरीके नहीं जानती, तुम मेरी मदद करोगी ना? जरूर करूँगी। आप फकत शाहाना साहबजादी और तस्नीम पाशा के चाला नको सीखो। ये तस्नीम पाशा कौन है? सरकार के मैदर बहन। मैदर बहन? आपको उर्दू आतिश नहीं क्या? मैदर बोले तो सोतेली। बशारत नवाब और शाहाना साहबजादी उन्हीं के ही तो बच्चे हैं। तो क्या वो यही रहते हैं? ए लियो और कहाँ रहेंगे। सलीम नवाब मरे, उन्होंने जो दौलत छोड़े तस्नीम पाशा फूंक फांक दिए। सरकार अपनी मैदर अम्मा से जो वादा किया सोने भाए, उनको उनके बच्चों को अपने साय में ले लिए, तब से वो यहीं से रहते। चलो उनसे भी मुलाकात हो ही जाएगी। मगर आजकल वो अपने भाई फारूक नवाब के यहाँ गए हुए हैं। अच्छा तुम चलो शमशाद, मैं खत लिख कर आती हूँ। मैं टप्पे का डब्बा नहीं, लिख लिए तो माठी मेले अब्दुल करीम को दे दियो, उन्हें बाजार गए तो टप्पे में डाल देगा। प्यारी प्यारी शीला आंटी नमस्ते। आपसे इतनी दूर फिर भी खत लिखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने बैठी हों। हवेली के अजनबी माहौल में आपकी याद बहुत गनीमत है। यहाँ किसी बात की कमी नहीं, बस तन्हाई सताती है। कोई साथी नहीं ना हमराज, बिल्कुल अकेली हूँ। बेगम साहिबा आम बेगमों जैसी नहीं हैं, वो पढ़ी लिखी और समझदार हैं। वो एक किताब लिखने जा रही हैं और मुझे डिक्टेशन लेना है। कल से मसरूफियत बढ़ जाएगी तो शायद दिल भी लग जाए। आप मेरी फिक्र ना करें, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपके खत का इंतज़ार रहेगा। आपकी एमन। माफ कीजिए। माफ तो आपके दीदार करते ही कर दिया था। अगर आपकी जगह अब्दुल करीम होता तो उसी रैकेट से इतनी पिटाई करता। मगर अफसोस आप में तो कहीं भी अब्दुल करीमियत नजर नहीं आती। मुझे भी कोई अफसोस नहीं कि मैं अब्दुल करीम नहीं हूं। क्या मैं एक बार आपको फिर से छू सकता हूँ? जी जी नहीं, हाथ से बार बार नहीं होते। नहीं मैं सोच रहा था आप सचमुच या मेरा नाम एमन है और आप शायद बशारत नवाब हैं। नवाब
नवाब कभी हुआ करते थे, अब तो ताश के 52 भी नहीं 53वां पत्ता बनकर रह गए। जी सोचिए। हाँ हाँ सोचिए, अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपको मैं अपनी आधी जागीर दे दूंगा। अच्छा सोचने दीजिए। समझी, 52 का उल्टा नवाब और ताश का 53वां पत्ता यानी जोकर। मेरी आधी जागीर। फिलहाल तो आप गोलकुंडा का किला अपने पास रखिए, बाद में मैं मुंशी जी से पूछकर बताता हूँ। अच्छा मैं चली। अच्छा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मिसेस शीला नायक, 25 MG रोड, बैंगलोर। आंटी, एक दोस्त मिल गया है। क्या खेल रहे हो? रिंगा रिंगा रो। अच्छा, अब्दुल करीम क्या है बीबी? यहाँ डाकिया नहीं आता क्या? कौन टप्पे वाला? हाँ हाँ कता लाता ना, मगर अभी तो आके चले गया हूँगा। आप बाजार जा रहे हो? जी आओ। मेरा खत डाल देंगे डाक में? डाल देता हूँ। वो क्या है? उधर तालाब। किधर? उधर। तो चलो तालाब पे चले। नहीं वहाँ हम जाएंगे तो अम्मा मारेगी। क्यों मारेगी? तालाब गहरा है बहुत। नहीं वो जो रास्ते जो पे घर पड़ता है सब वो कहते हैं नहीं, नहीं जाना। कौन रहता है वहाँ? नहीं मालूम नहीं। कब से इंतजार कर रहा हूं मैं? मेरे ब्रश साफ करो। अच्छा हुजूर। फरमान फरमान मोहब्बत का